प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रखा है। लिखा है ना? अब देखिए मैंने क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। तो बच्चों देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है। सही शब्द चुनकर लिखिए। क्या लिखा है? सही शब्द चुनकर लिखिए। सही शब्द चुनकर लिखिए। देखिए, मैंने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ 8 प्रश्न या 8 लाइनें लिखी हैं, ठीक है, यस मैम। जिसमें सब लाइनों में आगे डैश कर दिया गया है। लंबी सी लाइन मतलब खाली स्थान छोड़ दिया गया है, रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। उसके आगे देखिए, पहला नंबर है, मैंने इतना जगह छोड़ा और लिखा घास खा रहा था, और मैंने दो 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 ऑप्शन दिए हैं साइड में। देखिए यहाँ लिखा गाय, यहाँ लिखा बैल। बैल, वो आपको सही शब्द चुनना है कि गाय घास खा रहा था या बैल घास खा रहा था, ठीक है। यस मैम। जो सही होगा वो आपको लिखना। लिखेंगे आप लोग, करेंगे आप लोग, मैं बताती हूँ कि क्या क्या करना है। देखिए दूसरी लाइन है, जिसमें आगे जगह छोड़ी गई, फिर लिखा गया पेड़ के ऊपर बैठा है बंदर चिड़िया। चिड़िया, दोनों ऑप्शन में से जो सही होगा वो लिखा जाएगा। नंबर 3, किताब पढ़ रहे हैं, तो मैंने दो ऑप्शन दिया, बच्चा और बच्चे। तो आप लोग को लिखना है कि बच्चा किताब पढ़ रहा है या बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। नंबर 4 है, तालाब में तैर रही है बतख, बतखें, मतलब तालाब में तैर रही है। मैंने लिख दिया आपको बत्तख और बत्तखे में से ढूंढना है, बताना है, यहाँ लिखना है कि कौन तालाब में तैर रही है। पढ़ा रही है शिक्षक या शिक्षिका। छठा नंबर, सो रहा है। अब आगे यहाँ आपको जो खाली जगह है यहाँ लिखना है कुत्ता या बिल्ली, दोनों में से कोई एक यहाँ लिखना है जो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में सेट बैठे, ठीक है। नंबर 7 है, नाच रहा है, और आगे मैंने दो ऑप्शन दिए मोर और मोरनी, तो आपको यहाँ लिखना है मोर नाच रहा है या मोरनी नाच रही है, जो सही शब्द होगा। नंबर 8 है, खाना बना रही है, दो ऑप्शन पापा माँ, तो आप यहाँ जो भी सही ऑप्शन उसका होगा वो यहाँ लिख के फिर लिखेंगे बना रही है, लिखा ही है, तो ऑप्शन लिखना रहेगा, पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना रहेगा। समझ में आ रहा बच्चों क्या करना है? यस मैम। करना आप लोगों को है, मैंने तो एक मॉडल तैयार कर दिया है, अब इसमें इसको सही रूप आप देंगे और आप पढ़ के बताएंगे क्या है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। मैं आप लोग को रास्ता बता रही हूँ, उस पे चलना कैसे है, उस पे जाना कैसे है, ये आप तय करेंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक, फिर बहुत देर ना करते हुए शुरू किया जाए। बस एक चीज कहूंगी कि बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो उस लाइन में सटीक बैठेगा, जो उस वाक्य को पूरा करेगा अर्थपूर्ण तरीके से, वही लिखना है। सब लाइन के आगे दो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से हमेशा दो ऑप्शन जब होते हैं तो वो कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन होते हैं, जो आपको भटकाते हैं इधर उधर, लेकिन आपको सही शब्द चुन के लिखना है। देखिए अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना? यस मैम। तो हिंदी की एक लाइन में, एक लाइन के लिए मैंने दो ऑप्शन दिए हैं। यस मैम। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपनी जिंदगी के सफर में जा रहे हैं और सीधे दो मोड़ आ जाए, और आप आपको डिसाइड करना हो कि आप इस पे जाएंगे या इस पे जाएंगे, ठीक। यस मैम। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यस मैम। आप ही लोग आएंगे, एक एक लोग आएंगे और एक एक लोग इस पे लिखेंगे, ठीक। पहले कौन आ रहा देखते हैं, तो कौन आ रहा है, मैं बुलाती हूँ। चलिए आ जाइए, पहले प्रियांशी आइए, लीजिए चाय, आ जाओ ना ऊपर तक बेटा, चलो जहां तक पाओगे वहीं तक लिखो,
आप इसको लिखो, पढ़ो इसको और इसमें से क्या लिखना है लिखो। पढ़ा रही है। यहाँ दो ऑप्शन है, शिक्षक और शिक्षिका। शिक्षिका क्या लिखना है? शिक्षिका। लिखिए ऊपर वाला बेटा। हाँ यहाँ सुंदर से लिखिएगा। बहुत अच्छे से। बेटा मैंने बार बार बताया, गोली के ऊपर लाइक नहीं खींची जाती है। आज ही से ध्यान रखोगे तो आगे आप लोग के काम आएगा। जो भी शब्द है, जैसे ये सरगम वाला सा है या भा है, हाँ या छा है, तो जो ऊपर गोली बनी है या धा है, तो उसको पूरी लाइन ऐसे नहीं मिलाई जाती है, ठीक है? वहाँ गोली के पास उतना छोड़ दिया जाता है। ठीक, पढ़िए आपने क्या लिख, पूरा सेंटेंस क्या हो गया यहाँ से यहाँ पर। शिक्षिका पढ़ा रही है, बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत सही सेंटेंस ढूंढा है, इनके लिए तालियां। अगला लवकुश आइए। लवकुश भैया किस क्लास में हो? ऐसी ना बताओ, बताओ किस क्लास में हो? कक्षा दो। ठीक लवकुश, चलो चलो, कहाँ तक पहुंचोगे बेटा? यहाँ पहुंचोगे? इतने वहां उतना पढ़ना जाओ, यहाँ से ये वाला लिख पहले पढ़ो। देखो तालाब में तैर रही है। अभी देखो यहाँ क्या लिखा है, बतख बतखी बतखे, तो तालाब में रही है। देखो तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि ये लिखोगे? बतख तालाब में तैर रही है। चलिए अब पूरा पढ़िए यहाँ से यहाँ तक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। देखो अच्छा इन्होंने चुना और सही शब्द चुना है कि क्लास टू के हैं। आएंगे एकता, कहाँ है एकता? एकता किस क्लास में है? कक्षा दो। कक्षा दो। चलो कहाँ तक पहुँचोगे आप? यहाँ पहुँचोगे ना। चलो पहले पढ़ो क्या लिखा है। पेड़ के ऊपर बच्चे, ये वाला लिखोगे क्या? वहाँ नहीं पहुँच पाओगे बेटा, ये पढ़ो, नहीं लिख पाओगे, फिर लिखने में दिक्कत होगी। ये वाले पढ़िए। किताब पर रहे बच्चा बच्चे। हाँ तो किताब पढ़ रहा है, किताब कौन पढ़ रहा है, बच्चा या बच्चे? बच्चे किताब पढ़ रहे हैं या बच्चा किताब पढ़ रहे हैं? बच्चा किताब पढ़ रहे हैं या बच्चे? बच्चे। बच्चे, चलिए लिखिए बच्चे। ऊपर लिखना है, यहाँ लिखना है, इस पे बड़ा लिखिए, थोड़ा बड़ा बेटा, थोड़ा बड़ा लिखिए। बच्चे सुंदर लिखा जाता है, इसीलिए कहे हैं कि बड़ा लिखिए बच्चे। ठीक है पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बच्चों में से
आइए नित्या, नित्या किस क्लास में है? फर्स्ट में। नित्या किस क्लास में है? फर्स्ट में। नित्या आप ये वाली लाइन लिखो, पढ़ो क्या लिखा है। खाना बना रही है, है। पापा या माँ? कौन खाना बना रही है? माँ। तो माँ लिख दीजिए। नित्या उल्टे हाथ से लिखती हो क्या? इस हाथ से लिखो, इस हाथ से अभी से शुरू करो। माँ देखिए नित्या क्लास वन के होते हुए भी बहुत अच्छा लिखे। नित्या के लिए जोरदार तालियां। बस 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 अब आइए संजना, ये सब बेटा नए एडमिशन वाले बच्चे हैं जो कक्षा एक में आपकी एडमिशन हुआ है ना, लेकिन आते थे ये सब। चलिए बढ़िए, क्या लिखा बेटा? ना और ये कौन सा अच्छा है? नाच नाच रहा है, नाच रहा है। मोर मोरनी, कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रहा है। मोर मोर लिखिए, लिखिए हाँ इस लाइन में लिखिए। हाँ थोड़ा सा छोटा लिखिए, थोड़ा सा मोर। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए संजना लिखा पूरा पूरा बेटा, क्या हो गया ये? क्या है? मोर नाच रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला कौन आ रहा है? छोटे बच्चे ही आए, ज्यादा सही है। सिमरन आओ, हंसो नहीं भाई, सिमरन भी धीरे धीरे सीखेंगी ना। सिमरन क्या लिखा है? सा पर मात्रा है ओ की, क्या हो गया? सो। ये क्या है? रा। ये अच्छा बताओ, हा, हा पर आ की मात्रा, रा, हा पर आ की मात्रा रहा। और ये है कौन सा अच्छा है बेटा? अच्छा बताओ ये वाला, बोली जल्दी। हा, हा पर आई की है, तो सो रहा है। ये देखो क्या लिखा है, कुत्ता और बिल्ली। तो बताओ कुत्ता सो रहा है या बिल्ली सो रहा है? कुत्ता सो रहा है, क्या सो रहा है? कुत्ता। ऐसे कुत्ता यहाँ लिख दो ऐसे। हाँ बढ़िया, का पर छोटा हुआ आधा, फिर तापर आखिरी मात्रा कुत्ता। पढ़ो इसको, ये क्या लिखी हो? कुत्ता कुत्ता। और ये क्या है? सो रहा है, कुत्ता सो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सी प्रश्न बेटा। हंसने की बात नहीं है, बच्चे छोटे हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज सीख लेते हैं और कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। तो सिमरन देखो यहाँ तक कुछ नहीं जानती थी, तो अक्षर तो पहचानना सीखी। Yes, तो जब अक्षर पहचानना सीखी है तो धीरे धीरे मात्राएं भी सीखेंगी और पढ़ना भी सीखेंगी, ठीक। अब देखिए, अब
कौन आ रहा है? दिव्या। चलिए पढ़िए। पेड़ के ऊपर बैठा है बंदर चिड़िया। बंदर चिड़िया तो पेड़ के ऊपर बैठा है। बंदर बैठा है या चिड़िया बैठी है? बंदर। बंदर बैठा है। लिखिए। बंदर। दिव्या किस क्लास में है? तीन में गए हैं आपकी। चलो बहुत बढ़िया। दिव्या के लिए भी ताली बजाओ। अब अगला कौन आ रहा है? वहां तक पहुंच जाए रिया। चलिए एक लाइन बची है। रिया किस क्लास में है पहले बताइए। पहले पढ़िए क्या लिखा है। पढ़िए क्या लिखा है। घास खा रही थी गाय बैल। घास खा रही थी गाय बैल। तो गाय घास खा रहा था या बैल घास खा रहा था? फिर से पढ़िए। फिर से गाय घास खा रहा था ये सही है? नहीं सही है। बैल घास खा रहा था सही है? हाँ तो लिखिए बैल घास खा रहा था। क्या लिखना है? बैल लिखिए। बैल लिखिए। पढ़िए पूरा पढ़िए यहाँ से। यहाँ पर बैल घास खा रहा था। चलिए बहुत बढ़िया। बेटा ये जरूरी नहीं है कि जो सबसे तेज बच्चे हैं क्लास के वही हर एक्टिविटी हर खेल और हर कक्षा में वही शामिल हो। जो हमारे कम जानने वाले बच्चे हैं उनको भी शामिल। दित्या आवाज नहीं करिए। उनको भी हमें शामिल करना है और साथ लेके चलना है। ठीक है तो देखिए बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आप देखिए पूरा सेंटेंस क्या हो गया बेटा। बैल घास खा रहा था। अगर बैल की जगह पे गाय हो जाता तो गाय घास खा रहा था तो गलत हो जाता ना। यस मैम। गाय लिखना होता तब होता गाय घास खा रही थी क्योंकि वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर हो जाता। अब देखिए बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। बंदर बैठा है और कहीं चिड़िया लिखी जाती तो बैठी है लिखी जाती। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठा है। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है लिखा जाता। अगला है देखो बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। और अगर हमको बच्चा लिखना होता तो क्या लिखते? बच्चा किताब पढ़ रहा है तो अंतर हो जाता ना। यस मैम। बत्तख तालाब में तैर रही है और जब हम लिखते बत्तखे तालाब में तैर रही है। शिक्षिका पढ़ा रही है। शिक्षक और शिक्षिका दो ऑप्शन दिया था। अगर शिक्षक लिखा जाता तो क्या? शिक्षक पढ़ा रही है। शिक्षक पढ़ा रही है। रही है तो शिक्षिका का हो गया ना, वो स्त्रीलिंग हो गया। अब देखो कुत्ता सो रहा है, ये सेंटेंस सही है। यस। और यहाँ बिल्ली लिखना होता तो क्या लिखते? बिल्ली सो रही है लिखा जाता। अगला है देखो मोर नाच रहा है, ये सही है। अगर हम मोरनी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मोरनी नाच रही है। अगला देखो माँ खाना बना रही है तो सही है। अगर हमको लिखना होता पापा तो हम क्या लिखते? पापा खाना बना रहे हैं। बेटा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर होता है। लड़कियां बोलती हैं मैं पढ़ रही हूँ, रही हूँ बोलेंगी। और लड़के क्या बोलते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक उसी तरह यहाँ करना था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद करना था। पूरा वाक्य जो सटीक बैठ रहा था सही सब छाटना था और लिखना था। बच्चों द्वारा बहुत अच्छी कोशिश की गई, बहुत बढ़िया से काम को किया गया। ऐसे ही आप लोग आगे पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। ठीक है तब तक इस तरह की चीजें मतलब इसको आप नोट करो कॉपी में और इस तरह के और भी लाइव तैयार करो और भी प्रश्न बनाओ। ठीक। थैंक यू। वेलकम।